वेलकम टू ईशानी वीडियोस। भाग्यलक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है सबसे बड़ी अब शुरुआत हो चुकी है, जिसमें ऋषि अब लक्ष्मी को घर के अंदर लाने की कोशिश करने वाला है। लेकिन नीलम उसके सामने दो सबसे बड़ी शर्तें रखेगी। सबसे पहली शर्त कि आखिर में अगर लक्ष्मी घर के अंदर आती है तो वो घर से बाहर जाएगी। दूसरी शर्त कि अगर यहाँ पर लक्ष्मी को वो अपनाना चाहता है तो उसके साथ में यहाँ पर पूरे परिवार के साथ में उसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऋषि की मदद करके, ऋषि को हर मुसीबत से बचाकर और ऋषि को यहाँ पर सामने रखकर लक्ष्मी ने हर वादा और हर यहाँ पर पूरी तरह से मुसीबत में उसका साथ दिया है, जिसको लेकर अब आने वाले एपिसोड में पूरी तरह से यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हुए दिखाई देंगे और उसके साथ साथ ऋषि उसकी मदद भी करेगा। और भी बहुत कुछ खास होने वाला है, तो बताते हैं सारी बातें इस वीडियो के अंदर। लेकिन उसे बताने से पहले आप सब एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट लाते रहते हैं। आप एक लाइक करेंगे, हमें अप्रिसिएशन मिलेगी और हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहेंगे। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि ऋषि और लक्ष्मी अब काफी ज्यादा यहां पर कोशिश करेंगे एक दूसरे के यहां पर नजदीक आने की। साथ ही साथ यहां पर दोनों की तरफ से कोशिशें जारी रहेंगी, लेकिन घर के अंदर एंट्री के वक्त अब यहां पर सुहाना को काफी ज्यादा बातें सुननी पड़ेंगी। साथ ही साथ यहां पर अब लक्ष्मी और ऋषि के बीच में आकर खड़ी हो जाएगी कोई और नहीं बल्कि नीलम, और नीलम करिश्मा मिलकर काफी ज्यादा यहां पर बवाल क्रिएट करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अब यहां पर लक्ष्मी काफी ज्यादा कोशिश करेगी कि किसी ना किसी तरह से वो यहां पर कोशिश करे और पूरी तरह से परिवार को जोड़कर रखे। लेकिन यहां पर नीलम की तरफ से दो सबसे बड़ी शर्तें जो रखी जाएंगी वो पूरी तरह से यहां पर बर्बाद करके रख देंगी सारे काम को। साथ ही साथ बलविंदर अब एक नया प्लान बनाकर पूरी तरह से अब ऋषि और लक्ष्मी को तबाह करना चाहता है, जिसमें वो अब नीलम को सहारा बनाने वाला है। लेकिन कैसे, उसके बारे में प्रॉपर डिटेल आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो वैसे कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू।